हाय एवरीवन, फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सबका स्वागत है। सो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, अगर आप अपने आधार कार्ड में दोस्तों किसी भी प्रकार से करेक्शन करना चाहते हैं, चाहे तो आप अपने आधार कार्ड में कोई भी नाम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सुधारना चाहते हैं, या तो अपना न्यू आधार कार्ड बनाना चाहते हैं अपना, या तो दोस्तों किसी भी बच्चे का बनाना चाहते हैं, इसके लिए आपको आधार सर्विस सेंटर जाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन आपको पता ही नहीं कि हमारे विलेज में, हमारे पंचायत में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पे सेंटर है आधार सर्विस सेंटर, वहाँ पर जा करके मैं सुधरवा पाऊँ, ठीक है। लेकिन आपको पता नहीं है, लेकिन दोस्तों इस वीडियो में आपको इसी समस्या का हल बताने वाला हूँ। आप ऑनलाइन तरीके से अपने फोन से दोस्तों घर बैठे ही पता कर पाएंगे कि आपका क्षेत्र में कहाँ पे, आपके विलेज में किस स्थान पे आधार सर्विस सेंटर है। अगर दोस्तों पता कर लेते हैं पहले ही, और उस स्थान पर जाकर के आप अपना आधार कार्ड में सुधरवाना चाहते हैं, तो आप 100% सुधरवा पाएंगे। अगर आप बनाना चाहते हैं तो बना भी पाएंगे, ठीक है। तो मैं दोस्तों इस वीडियो आपको सिंपल से बताने वाला हूँ कि आप आधार सर्विस सेंटर किस प्रकार से ऑनलाइन तरीके से चेक कर पाएंगे कि आपके विलेज में, आपके पंचायत में, आपके डिस्ट्रिक्ट में किस स्थान पर है, ठीक है। आप समझ गए होंगे, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों आप सबसे एक निवेदन है, अभी तक दोस्तों आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लेना है, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, बेल घंटी भी आपको प्रेस कर देना, ताकि आने वाला हर नेक्स्ट वीडियो दोस्तों आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपके फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर में कोई भी ब्राउजर को, ब्राउजर ओपन कर लेना है, और यहाँ पर दोस्तों आपको टाइप करना UIDAI, जैसे स्क्रीन पर देख सकते हैं UIDAI आप टाइप कीजिए, उसके बाद आपको सर्च कर देना है। तो पहला विषय आपके पास नजर आता होगा UIDAI, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों आपके पास इस प्रकार से इंटरफेस आ जाता है। दोस्तों अगर आप फोन में भी ओपन करते होंगे तो आपको सेम प्रोसेस होने वाला है, ठीक है। आप सिंपल सब समझ लीजिए, उसके बाद आप अपने फोन में भी कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ओपन कर देते हैं, देख सकते हैं आपके पास इस प्रकार से इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे काफी सारा ऑप्शन रहता है और यहाँ पे काफी सारा काम भी किया जाता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपको सेंटर खोजना है, इसके लिए दोस्तों नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद देख सकते हैं पहला ही ऑप्शन में, आपको ध्यान देना, पहले ही ऑप्शन में आपके पास नजर आ जाएगा गेट आधार। देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास नजर आ रहा है गेट आधार, और गेट आधार में ही दोस्तों आपको नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं लोकेट एंड इनरोलमेंट सेंटर नजर आ रहा है, तो आप अपने फोन में भी खोज लीजिएगा, यहाँ पे नजर आ जाता है लोकेट एंड इनरोलमेंट सेंटर, सबसे ऊपर में आपके पास नजर आ जाता है, ठीक है। तो चलिए इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर तीन तरीका सब खोज पाएंगे। सबसे पहला तरीका मैं आपको समझा देता हूँ। पहला तरीका दोस्तों आप स्टेट पर आप क्लिक करेंगे तब भी आप चेक कर पाएंगे। दूसरा दोस्तों पोस्टल पिन कोड से, आप एरिया जो पिन कोड होता है आपका, उससे खोज पाएंगे। सर्च बॉक्स में दोस्तों आप सर्च करके भी यहाँ पे कुछ डिटेल फिल करके आप खोज पाएंगे, ठीक है। दो तरीका सबसे ईजी होता है, आप स्टेट पर क्लिक कीजिए या तो पोस्टल कोड पर आप कीजिए, दोनों तरीका सबसे ईजी है। चलिए मैं दोनों तरीका आपको बता देता हूँ। चलिए मैं सबसे पहले स्टेट वाला पे क्लिक करता हूँ। चलिए मैं स्टेट पर क्लिक करता हूँ। जैसे सो स्टेट पर आप क्लिक करेंगे, स्टेट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से इंटरफेस आ जाता है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे कुछ डिटेल आपको फिल करना होगा, ठीक है। फिर भी दोस्तों यहाँ पे जैसे तीन ऑप्शन आ रहा है, पहला देख सकते हैं यहाँ पे स्टेट आ रहा है, दूसरा यहाँ पे पोस्टल कोड आ रहा है, यहाँ पे सर्च बॉक्स आ रहा है, ठीक है। दोनों तीनों माध्यम से किसी माध्यम में आप जा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक माध्यम में आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो चलिए सेकंड स्टेट पर आप आ जाइए, सिलेक्ट स्टेट पर आ जाने, जो भी आपका स्टेट होगा आपको स्टेट सुनना है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पर आ जाना है, डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका होगा आपको डिस्ट्रिक्ट चुन लेना है, उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट जो होगा आपका दोस्तों आपका सब डिस्ट्रिक्ट चुन भी सकते हैं या तो भी छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो आपका भी आ जाएगा, अगर नहीं चुनेंगे तब भी आ जाएगा, लेकिन आपको डिस्ट्रिक्ट और स्टेट आपको 100% सिलेक्ट करना ही होगा, ठीक है। उसके बाद आपका सब डिस्ट्रिक्ट आपको आ जाए तो यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट आपको चुन लेना है। उसके बाद देख सकते हैं विलेज पर आ जाना है, विलेज पर आ जाने के बाद जो भी आपका विलेज होगा आपको चुन लेना है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे शो ओनली परमानेंट एड्रेस, आपको इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे कैप्चा स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये कैप्चा का दोस्तों यहाँ पे आपको फिल करना होगा, इस बॉक्स में आपको फिल कर देना है। उसके बाद सेंड लोकेट सेंटर पर आपको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों लोकेट सेंटर पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक नया पेज यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे पेज में दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे पूरा सेंटर ही आपके पास पता चल जाता है। देख सकते हैं जो आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया था, जो आपने विलेज सेलेक्ट किया था, जो आपने ब्लॉक सेलेक्ट किया था, उसके हिसाब से यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो आप अपना हिसाब से अपना एड्रेस सेलेक्ट कीजिएगा। देख सकते हैं यहाँ पे दो है, देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास नजर आता है, पहला है यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे आपके पास नजर आता है। पूरा एड्रेस यहाँ पे नजर आता होगा, देख सकते हैं यहाँ पे एड्रेस पूरा यहाँ पे दिया हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास एड्रेस नजर आ जाता है पिन कोड के साथ। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इनरोलमेंट हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट 30 डे में यहाँ इनरोलमेंट हो रहा है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे अपडेट और कितना अभी तक हुआ है, 247 यहाँ पे अपडेट हुआ, मतलब 247 यहाँ पे अभी तक यहाँ पे इनरोलमेंट किया गया, ये भी यहाँ पे शो हो जाता है। तो इसका मतलब ये हो जाता है दोस्तों यहाँ पे परमानेंट एड्रेस है, और यहाँ पे जाएंगे तो आपका 100% सुधर जाएगा। इस प्रकार सब सुधरवा सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे मैं पिन कोड से एक बार और मैं आपको समझाता हूँ। चलिए यहाँ से बैक आ जाता हूँ। बैक आ जाने के बाद यहाँ पे आपको एक बार पिन कोड पर चले जाता हूँ। देख सकते हैं पिन कोड है, पोस्टल कोड है, इस पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे सिंपल से आपका एरिया का पिन कोड आपको टाइप करना होगा। चलिए मैं एरिया का पिन कोड टाइप कर देता हूँ। जैसे सो एरिया पिन कोड आप टाइप करेंगे, उसके बाद नीचे देख सकते हैं आपके पास नजर आता है शो ओनली परमानेंट, आपको इस पर क्लिक कर देना। उसके बाद कैप्चा यहाँ पे देख सकते हैं, आपको कैप्चा फिल करना है। उसके बाद लोकेट एंड सेंटर पर आपको क्लिक करना है। जैसे सो लोकेट एंड सेंटर पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं जो आपने पिन कोड दिया था उसके हिसाब से यहाँ पे पूरा एरिया का जाता है, पिन कोड का हिसाब से आएगा, ठीक है। लेकिन जो पहला प्रोसेस था, आप अपने विलेज
विलेज अपने पंचायत के अनुसार खोज सकते हैं। अगर यहाँ पे पिन कोड पर आते हैं तो उस हिसाब से जितना पिन कोड पे उस पिन कोड पर जितने होंगे आधार सर्विस सेंटर वो आपके पास नजर आ जाता है। ठीक है, दोनों में अंतर को समझा देता हूँ। जैसे दोस्तों पहला जो था अपने अपने विलेज अपने डिस्ट्रिक्ट के अनुसार खोज पाएंगे, और दूसरा दोस्तों पिन कोड के अनुसार अगर खोजते हैं तो उस एरिया में जितना होगा वो आपके पास नजर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको जो भी सुविधा अच्छा लगे आप यहाँ से खोज सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको दोनों तरीका समझा दिया। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कंप्लीट जानकारी दे पाया हूँ। अगर आप अपने स्टेट में अपने क्षेत्र में अपने विलेज में आधार सेंटर खोजना चाह रहे थे फाइंड करना चाह रहे थे तो मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दे पाया हूँ। दो तरीका बताया दोस्तों, अगर आप अपने विलेज में अपने पंचायत में खोजना चाहते हैं तो आपको स्टेट वाला पर जाना, स्टेट वाला पर जाएंगे तो आपके विलेज अपने पंचायत के अनुसार वहाँ पे खोज पाएंगे, लेकिन जैसे ही पिन कोड पर जाएंगे तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट के अनुसार खोज पाएंगे, क्योंकि जो आपका पिन कोड होता है आपका डिस्ट्रिक्ट पर डिपेंड पड़ता है। तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट के अनुसार खोजना चाहते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट में पूरा बायोडाटा निकालना चाहते हैं तो आपको देख सकते हैं पूरा डिस्ट्रिक्ट का ही नजर आ चुका है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं पूरा डिस्ट्रिक्ट में जितना वो यहाँ पे सो जाता है, लेकिन अपने विलेज के निकालना चाहते हैं आपको, इसलिए आपको स्टेट पर जाना है। मैंने दोनों तरीका बता दिया, जो भी आपको सुविधा अच्छा लगे आप जा सकते हैं और वहाँ से फाइंड कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए दोस्तों इस तरह का हेल्पफुल कंटेंट पाना चाहते हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, बेल घंटे भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाला हर नेक्स्ट वीडियो दोस्तों आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। फिर से मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक जय हिंद जय भारत। और हाँ दोस्तों, किसी भी प्रकार डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूंगा।